हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, जो आपका बीकॉम का सब्जेक्ट है, बीकॉम एंड बीबीए। उसमें आपका जो ये चैप्टर है ना, मशीन आवर रेट, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। बच्चों ने कहा है कि मैम इसके जो क्वेश्चन है प्लीज़ सॉल्व कीजिए। तो हमने लास्ट वीडियो में बात किया था, फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया था क्या था, और इस वीडियो में हम सेकेंड क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ईजी है, आपको बहुत ही ईजीली समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। तो बने रहिए वीडियो के साथ इन तक, ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और चीज़ों को बार बार आपको रिपीट ना करना पड़े। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद इसको हम प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। कंप्यूट मशीन आवर रेट ऑफ अ मशीन फॉर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिवन्स है, उसको हम बहुत ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कॉस्ट ऑफ मशीन की। तो कॉस्ट ऑफ मशीन यहाँ पर दी हुई है 18,600 रुपीज़, ये रुपीज़ में है, और जो चीज़ भी आर्ट्स में गिवन होंगी वो भी उसके सामने एच आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। ठीक है, फ्राइट एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस की बात करें, सो 3400 का है। दैट मीन्स कि ये जो मशीन आपने परचेज की है, इस मशीन को इंस्टॉल करने में या बाहर से लाने के लिए कुछ फ्राइट आपने पे किया होगा, कुछ इंस्टॉलेशन चार्जेस दिए होंगे, तो वो यहाँ पर वो चार्जेस गिवन है 3400। ठीक है बच्चा, स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीन। तो स्क्रैप वैल्यू क्या होती है ये बता दूँ, हिंदी में से बोलते हैं अवशेष मूल्य। अवशेष मूल्य वो मूल्य होता है जब आपकी जो मशीन है, जब उसकी वर्किंग लाइफ पूरी फिनिश होगी ना, ख़त्म हो रही होगी, उसके बाद पूरा यूज़ करने के बाद, उसकी वर्किंग लाइफ कंप्लीट होने के बाद, वो मशीन जब आप उसको सेकेंड हैंड सेल करेंगे, बेचेंगे, तो वहाँ से आपको कितना अमाउंट रिसीव हो सकता है, आप वो एस्टिमेट करते हैं कि एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ मशीन इतना आपको 1700 तो मिलना ही मिलना है। तो स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे 1700 गिवन है, तो ये हमेशा क्या होता है, कॉस्ट ऑफ मशीन में से माइनस हो जाता है, और जो इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं वो प्लस हो जाते हैं। क्लियर बच्चे। उसके बाद है स्टैंडिंग चार्जेस फॉर द मंथ। जिस भी मंथ की बात हो, लाइक फर्स्ट जनवरी, फरवरी, मार्च, कोई भी मंथ हो सकता है यहाँ पर, तो इस मंथ में जो स्टैंडिंग चार्जेस यूज़ हुए हैं वो हुआ है 1380 रुपीज़। ठीक है, 1380 रुपीज़। रिपेयर फॉर वर्किंग लाइफ की बात करें, रिपेयर जो है वो उसकी पूरी लाइफ के लिए यहाँ पर गिवन है 2800 रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करेंगे यहाँ पर, सो 1200 रुपीज़ है, और ज़्यादातर इंटरेस्ट ऑन लोन को इग्नोर किया जाता है। ठीक है, सो 1200 रुपीज़ को हम इग्नोर करेंगे। एंड नेक्स्ट बात करेंगे पावर की। ठीक है, पावर जो, दैट मीन्स कि जो इलेक्ट्रिसिटी पावर है, लाइट कितना वो ले रही होगी, तो वो है यहाँ पे 4 यूनिट्स लेती है पर आवर। ठीक है, 4 यूनिट्स पर आवर एट द रेट ऑफ 16 पैसे पर यूनिट। एक यूनिट कितने की है बच्चे, 16 पैसे की है, तो मल्टीप्लाई करना होगा 4 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 16 पैसे। ठीक है, तो आ जाएगा अमाउंट। ऑपरेटिंग आवर ड्यूरिंग द मंथ 240 आवर्स यहाँ पर होंगे। ठीक है, यहाँ पर एक मंथ में कितना जो आपकी मशीन है, कितने आवर्स वर्क कर रही है, कितने आवर्स वर्क कर रही है, चल रही है, कितने घंटे काम कर रही है, ये दिया हुआ है यहाँ पे मंथली 240। ध्यान रखिएगा, जो भी एक्सपेंसेस हैं ये भी मंथली हैं, और ये भी आपका मंथली ही है, तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो मंथली ही रहेगा सब कुछ। एंड नेक्स्ट, इफ़ेक्टिव वर्किंग लाइफ की बात करें, जो इसकी इफ़ेक्टिव वर्किंग लाइफ है इस मशीनरी की बच्चे, वो कितनी है ऑफ द मशीन, वो है 10 आवर्स। ठीक है, 10,000 घंटे। ठीक है, सो 10,000 आवर्स यहाँ पर गिवन है इस मशीन की वर्किंग लाइफ टाइम। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर वो 10,000 घंटे चल सकती है अपनी लाइफ में, ठीक है, तो 10,000 घंटे चलने के बाद हो सकता है कि वो ना काम करे, तो आप उसको, या बहुत कम काम करे, उस तरह से वो आउटपुट ना दे, तो आप उसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन है आपका। ठीक, ये क्वेश्चन था, अब हम इसको वन बाय वन सॉल्व करेंगे। क्लियर बच्चे, तो चलिए यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, कुछ एक आइटम्स है, तो हम यहीं पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसको। यहाँ पे अमाउंट शो करेंगे, यहाँ पे हमारा पर्टिकुलर हो जाएगा, और सबसे पहले हम क्या दिखाते हैं बच्चे, स्टैंडिंग चार्जेस, जो कि ज़्यादातर फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, वेरिएबल नहीं होते हैं, मीन्स चेंजेस कम होता है इसमें, ये होने ही होने होते हैं और उतने ही होते हैं। तो स्टैंडिंग चार्जेस की यहाँ पर एक पॉइंट गिवन था, आई थिंक स्टैंडिंग चार्जेस फॉर द मंथ, ये दिख रहा होगा, स्टैंडिंग चार्जेस फॉर द मंथ 13,380। ठीक है बच्चे, यहाँ पे मैं 240 आवर्स लिख लेती हूँ, 240 आवर्स इन दिस मंथ, क्योंकि हमें आवर्स से डिवाइड करना है
इन मंथली अमाउंट्स को, ताकि हमें पता चल सके कि 1 घंटे में उस मशीन पे कितनी कॉस्ट आती है, मीन्स जो मशीन आवर रेट है वो कितना होगा, पर आवर में कितनी कॉस्ट आती है, ठीक है, ये जानने के लिए। तो 1380 एंड डिवाइड बाई 240 बच्चे, जब इसको डिवाइड करेंगे ना तो आपका आ जाएगा कितना, 5.75, ठीक है, ये आ जाएगा आपका स्टैंडिंग चार्जेस। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, वेरिएबल चार्जेस। स्टैंडिंग सिर्फ एक ही था, तो अब आ जाएंगे आपके सभी वेरिएबल चार्जेस, ठीक है बच्चे। अब आ गया वेरिएबल चार्जेस, क्या क्या आ जाएगा, सबसे पहले डेप्रिसिएशन आ जाता है ना। डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करते हैं बच्चा, कॉस्ट ऑफ मशीनरी हमारी 18,600, रिलेटेड एक्सपेंसेस प्लस हो जाएंगे, स्क्रैप वैल्यू माइनस हो जाएगी, एंड डिवाइड बाई इफेक्टिव वर्किंग लाइफ ऑफ द मशीन 10,000 आवर्स, ठीक है। तो चलिए 18,600 है, दिख रहा होगा आपको 18,600 प्लस एक्सपेंसेस 3,400 माइनस स्क्रैप वैल्यू इज योर 1,700 बच्चे, ठीक है ना, 1,700 एंड डिवाइड बाई 10,000 वर्किंग आवर्स, इफेक्टिव वर्किंग लाइफ आवर्स, ठीक है, ये हो जाएंगे, ये घंटे हैं। अब आपको इसको लेस करना है और प्लस करना है, बताना है कि कितना आएगा लेस करने के बाद और प्लस करने के बाद, ठीक है। तो जब इसको प्लस कर लेंगे तो चलिए 8, 3, 11, 21,000, ये 22,000 हो जाएगा। 22,000 में से आपको ये 1,700 माइनस करना है तो आ जाएगा 20,300। लेस करने पे, ऐड और लेस करने पर कितना आ जाएगा बच्चे, 20,300, ठीक है, 20,300। देन आप इसको क्या कर दीजिएगा, डिवाइड बाई 10,000 वर्किंग आवर्स, 10,000 वर्किंग आवर्स। तो ये ज़ीरो से हम ज़ीरो को कैंसिल कर देते हैं, हमारे पास बच गए हैं क्या, ये 2 ज़ीरो बच गया ना, जब ये हटाएंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2.03 इज़ योर डेप्रिसिएशन अमाउंट, ठीक है, 2.03। एंड नेक्स्ट बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ मशीन हमने देख लिया, ठीक है, फ्रैट इंस्टॉलेशन चार्जेस हो गए, स्क्रैप वैल्यू भी हो गई, स्टैंडिंग चार्जेस हमने निकाल लिया था, रिपेयर फॉर वर्किंग लाइफ की बात करें 2,800 है। तो अब आपको रिपेयर के लिए ध्यान देना है, रिपेयर उसकी होल लाइफ टाइम के लिए है 2,800 बच्चे, एंड डिवाइड बाय वर्किंग लाइफ कितनी थी इसकी, 10,000 घंटे है ना, तो इसको आपको 10,000 घंटों से डिवाइड करना होगा 10,000 आवर्स से, क्योंकि कहा है ना फॉर वर्किंग लाइफ। जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये ज़ीरो से ज़ीरो को कैंसिल कर देंगे, 2 ज़ीरो बच रहे हैं तो इसके 0.28 आ जाएगा बच्चा, 0.28, क्लियर, 0.28, बहुत ईजी कैलकुलेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन में रिपेयर, इंटरेस्ट ऑन लोन को ज़्यादातर हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि वो डायरेक्टली बिलोंग नहीं करता है कॉस्ट ऑफ मशीनरी से, क्लियर बच्चे, डायरेक्टली बिलोंग नहीं करता है वो, इसलिए इग्नोर होगा, और आपका जो बुक है उसमें जो आंसर गिवन है वहाँ पर उन्होंने इग्नोर किया हुआ है, उसके बाद जो आंसर है वो दिया हुआ है। पावर की बात करेंगे, 4 यूनिट्स एंड मल्टीप्लाई बाय 16 पैसे, पावर 4 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 16, पॉइंट हम यहाँ पे इसे लगा रहे हैं क्योंकि पैसे को हम ऐसे ही लिखते हैं, 0.16 पैसे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 फोर्स आता है 64 बच्चा, तो यहाँ पे पॉइंट है ना तो पॉइंट लग जाएगा, 64 पैसे आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। सो पावर हो गया आपका, और ये ऑपरेटिंग आवर्स ड्यूरिंग द मंथ 240 गिवन था, फिर इफेक्टिव वर्किंग लाइफ ऑफ द मशीन 10,000 गिवन है, सो बाकी सब कुछ हो गया और कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन, बस आप इसको ऐड कर लीजिए आपस में, कितना हो जाएगा टोटल, मीन्स ये वाला स्टैंडिंग चार्जेस 5.75 को ऐड करना है, 2,527 रुपये, तो यही हो गए आपके, ठीक है। फिर ये देख रहे हैं आप, 6, 2, 8 हो जाएगा, 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15 है ना, तो 15, 5 ये टोटल जो आएगा आपका 8 पॉइंट, चलिए कैलकुलेशन कहाँ कर दूँ मैं, यहाँ पे ही कर दे रही हूँ छोटा सा, ठीक है, कैलकुलेशन कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 5.75, फिर 2.03, फिर 0.28, फिर 0.64। ये पॉइंट वाला ना बहुत थोड़ा सा मुश्किल करता है कैलकुलेशन में, तो 5, 3, 8, 8, 8, 16, 4, 20 को यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, 0 हो जाएगा। फिर ये 6, 2, 8 और 20 कैरी था, 6, 2, 8 दोबारा, और सॉरी 6, 2, 8 और 2 कैरी, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 7 17 को 7, 5, 2, 7 और 1 कैरी 8, और यहाँ पे ये पॉइंट 8.70 आ जाएगा बच्चा इनका टोटल, ठीक है, मैंने वहाँ बगल में किया तो ध्यान रखिएगा कितना हो जाएगा, 8.70, ये आपका आ जाएगा मशीन पर आवर रेट, MHR, ठीक है बच्चा, क्लियर।
बस ऐसे ये क्वेश्चंस लगेंगे, ये बहुत ही सिंपल एंड इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो। क्लियर बच्चे? और ऐसे ही आगे के भी क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आ रहे हैं, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं वन बाय वन क्वेश्चंस को कोशिश करती हूँ आपको समझाने के लिए बहुत ही इजी वे में, ताकि आप बहुत ही आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए, कोई भी डाउट या कन्फ्यूज़न ना रह जाए आपको। और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई हेल्प चाहिए वीडियो के थ्रू, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पेज पर मैसेज करके भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में मेरे और भी कुछ चैनल्स हैं, लाइक मेरे छोटे भाई का है और मेरी भाभी का है, तो आप उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना सपना किचन करके एक चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। करंट अफेयर्स अध्ययन, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसको फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जीएस जीके करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड, तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको सपोर्ट करें। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।